अभी चढ़ाइयो अगरबत्ती को ना पीछे पीछे तो भैया खराब आवाज है जो वालों गुरु जी टूटे हैं जो टूटे हैं समय बताइए हनुमान जी बताइए कहाँ क्या होते हैं जो थोड़ा बड़ो बन जा बढ़िया रहे कोशिश हाँ जगह नहीं है हाँ जगह नहीं वही तो इतनी जगह हो जाए हाँ हाँ थोड़ा बैठ दिक्कत बिल्कुल सही बात आधा जो है हनुमान जी के ऊपर सही बात सही बात हट जाए बढ़िया रहे गुरु पत्रकार साहब हैं तुम्हारा प्रचार होएगा अब बड़े मान तो होएगा तुम अबे इंडिया न्यूज दिल्ली वाली आई थी तो हमें ही अच्छे गुरु जी आप इस मूर्ति के इतिहास के बारे में जरा कुछ बताएं भगवान ये मूर्ति का जन्म द्वापर में हुआ द्वापर में बिड़ुआ हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हुए राजा प्रताप नहर के राज के नाम से कहे गए थे तो उनको ही उन्होंने सपना दिया कि हम बिड़ुआ हनुमान जी हमारी सेवा करो तो राजा अहंकारी हुआ करते थे राजा ने कहा कि हमारे किला के पास आ जाओ तो हमारे किला के पास आओगे तो हम सेवा करेंगे तो हनुमान जी ने ध्यान दिया कि हमारे अगर मुखार बिंदु को दूध से भर दोगे तो हम जो है किला के पास चलेंगे ना तो राजा हुकूमत जहाँ तक थी वहाँ तक आठ दिन तक उनका दूध आता जाता रहा मुखार बिंदु को दूध से नहीं भर पाए। इतिहास कहता है गुरु जी की इसकी मूर्ति को ये हनुमान जी का मुंह को कोई भर नहीं पाया इसमें जो हजारों टन लड्डू जो है चढ़ा चढ़ गया तो ये कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं कहाँ जाता है आज तक किसी ने नहीं पता ये कहाँ जाता है क्या है नमनाय वायुपुत्राय धीमहि तन्नो राम दूताय प्रचोदयात् मनोजिमे ममारुत्पल्ल वेगम जितेन्द्रियमुदीपताम् वरिष्ठम् वातात् प्रजम्मा नर्युज मुख्यम् श्रीरामदूतम् धरणम् प्रपद्ये हनुमान समान नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी महाराज जी ये जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे आपके यहाँ ये काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ लग रही हैं किसकी मूर्ति है ये जगन्नाथ जी है तो किसकी बनी हुई मूर्ति है ये चंदन की मूर्ति कितनी पुरानी मूर्ति है ये कम से कम 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति भी रखी हुई है यहाँ पे मंदिर में ये चंदन की लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है